सांस फूल रही है, चलते हुए पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नसों में खिंचाव हो रहा है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे कुछ ही दिनों में ये सारी ही तकलीफें दूर हो जाएंगी। नसों में खिंचाव की परेशानी, ज्वाइंट पेन की परेशानी या आपके मसल्स में अगर दर्द हो रहा है तो सभी को ये दूर करेगा। दोस्तों, नसों में कमजोरी है या नहीं यह कैसे पता करें, तो आइए देखते हैं। हमारी नसें हमारे शरीर के पूरे ही अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कई कोशिकाओं का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ नसों का काम पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखना होता है। ऐसे में जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं, नसों में कमजोरी हो जाती हैं, तो कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं और हमें हमारे शरीर में हड्डियों के दर्द का सामना करना पड़ता है और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रोक आ जाना, डायबिटीज का हो जाना, कभी भी चक्कर आने लगना, गठिये का दर्द होने लगना। ये सारी ही परेशानियां नसों के कमजोर होने के वजह से ही होती हैं। इस वजह से सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा आपके नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों के कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नसें कमजोर होती जा रही हैं? हाथ पैर में झनझनाहट होने लगते हैं, जब भी बैठे तो पैर में झनझनाहट सुनपन महसूस होने लगता है, पैर भारी जैसा महसूस होता है, आप अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर में ऐसा लगता है जैसे चींटियां काट रही हैं, तो ये सारे ही नसों के कमजोर होने के ही लक्षण होते हैं। हाथ और पैर में झनझनाहट तब होती है जब नसों में कमजोरी होने लगती है। दोस्तों, नसों में कमजोरी तब होती है जब हमारी नसों में ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा होता है। इसके अलावा सर में दर्द होने लगता है या जो माइग्रेन का दर्द है वो भी नसों के ही कमजोरी से होने लगती है। अगर आप काफी समय से सिर में दर्द से परेशान हैं, काफी दर्द हो रहा है, दवाइयां खाने पर भी बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये नसों के कमजोर होने के सिम्टम्स हैं। इस स्थिति में नसों में तेजी से दर्द होने लगता है, नसें अचानक से कभी भी सुन पड़ सकती हैं, चक्कर आने लगता है, आंख के सामने अंधेरा छाने लगता है। ये नसें हमारे ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं कर पा रही होती हैं और नसों में ब्लॉकेज होता जा रहा होता है और दिन प्रतिदिन यह ब्लॉकेज बढ़ता ही जा रहा होता है। इसी वजह से ऐसा सारे सिम्टम्स और लक्षण दिखाई दे रहे होते हैं। दोस्तों, इन सभी के वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, रात में नींद नहीं आती है और खून की कमी भी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तो अगर आपके शरीर में ये सारे ही लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है, तो सबसे पहले ये जो आज होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसे आज ही बनाएं और इससे आपको बहुत ही जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। इसे आज से ही सेवन करना शुरू कर दें, यह काफी मदद देगी। इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा,
नसों में जो दर्द है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आइए जानते हैं इसे हमें कैसे तैयार करना है। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है जीरा। जीरा किसी भी किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है और यह मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यह औषधीय गुणों से भरा होता है, नसों के ब्लॉकेज को खोल देता है। साथ में हमें लेना है बड़ी इलायची, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि ये खाने के लिए भी उपलब्ध की जाती है। गरम मसाले के तौर पर हम इसे प्रयोग करते हैं। बड़ी इलायची के अनेकों ही फायदे होते हैं। ये हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग की जाती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। अगर आपकी नींद नहीं आने की समस्या है तो बड़ी इलायची फायदेमंद होती है। एनीमिया की प्रॉब्लम यानी खून की कमी को दूर करती है और किडनी को भी डिटॉक्स करती है। किडनी में जो भी बीमारियां हैं वह ठीक हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। पाचन बिगड़ने से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो यह आप प्रयोग अवश्य करें। डायबिटीज वाले लोग हों या ब्लड प्रेशर वाले, कोई भी इसे ले सकते हैं। सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो या शरीर में थोड़ा बहुत बुखार आ जाता हो तो इसको भी ठीक करने में मदद करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। तो देखिए हमें इसे कैसे लेना है, तो आगे मैं आपको यह सब कुछ बताने वाली हूँ। कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और इसके किस सावधानियों को हमें बरतना है लेने से पहले, इन सारी ही जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी। दूसरी जो चीज हमें लेनी है वह लेनी है लौंग। लौंग हर किचन में उपलब्ध होती है और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं और शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी सही करती है, बंद नसों को खोलती है, नसों को मजबूत बनाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी कभी सूजन हो जाता है या शरीर फूलता जा रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। डायबिटीज वाले लोग के लिए यह रामबाण औषधि का काम करती है। कैसे इसका प्रयोग करना है, किस तरह से इसे हमें यूज करना है, कितनी अमाउंट में इसे लेनी है, किस वक्त लेनी है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। दांत के दर्द को दूर करता है, सर्दी खांसी जुकाम या हल्का सा बुखार, इन सभी स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है और यह सारे ही समस्याओं को दूर करता है। ब्लड प्रेशर हो तो उसको भी नॉर्मल कर देता है, खून को साफ कर देता है। जिनको भी नसों की कमजोरी है उनके लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हमें आगे क्या करना है। दोस्तों एक पतीला या बर्तन ले लीजिए, इसको गैस के फ्लेम पर रख दें। जो फ्लेम है उसको अभी मीडियम पे रखें और इसमें हमें डाल देना है 2 कप पानी। कप जो हम घर में प्रयोग करते हैं उसी कप से पानी डाल दें। जब तक यह पानी उबल रहा है आइए औषधि बना लेते हैं। दोस्तों इसे मिक्सी में नहीं बनाना है, ये हमें सिलवटे पर ही बनाना है या मसाला कूटने वाला में इसे बना सकते हैं। एक बड़ी इलायची हमने लिया है यहाँ पर। देखिए बड़ी इलायची में छोटे छोटे दाने होते हैं, ये बीज होते हैं और इसके छिलके भी बहुत फायदेमंद होते हैं, छिलकों में औषधीय गुण होता है। बड़ी इलायची के जो यह बीज हैं उसको अच्छे से कूटना आवश्यक होता है। यहाँ पर हमने लिया है 2 लौंग। अगर सर्दी का मौसम है 3 लौंग ले सकते हैं, गर्मी के मौसम में आप 2 लौंग का ही प्रयोग करें। लौंग भी दर्द को दूर करता है। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लें, दालचीनी दर्द को दूर करती है।
दालचीनी भी बहुत फायदेमंद होती हैं। गठिये का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, आर्थराइटिस का हो या घुटनों का दर्द हो, सभी को यह दूर करती है। इसके कई फायदे होते हैं। तो जो भी व्यक्ति 80 साल के हों या 30 साल के हों या उससे भी कम उम्र के हों, किसी भी उम्र में आप इसे ले सकते हैं। इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें कोई भी ऐसी सामग्री नहीं डाली गई है जो आपको खराबी करे। ये बिल्कुल भी आपके पेट में जलन भी नहीं करेगी। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे किस प्रकार से लेना है और कब लेना है। तो मैं सभी कुछ आपको बताऊंगी और किस वक्त लेना है यह भी बताऊंगी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ यह देख लेते हैं कि इसमें क्या डाला गया है और हम इसे बना लेते हैं, तो इस ढंग से बनाने से यह औषधि फायदे नहीं करती है और इसका आपको पूरा फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए पूरी जानकारी के लिए। इसे कूट लेंगे हम तो दरदरा ही कूट लें। याद रहे कि जो इलायची है उसके जो बीज है वह अच्छे से कूटनी चाहिए। दोस्तों, इसे किसे नहीं लेना चाहिए? तो जो भी माताएं अपने बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं या जो भी माताएं प्रेग्नेंट है, वो लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। घरेलू नुस्खा बहुत ही फायदा करेगा, बहुत ही उपयोगी है। सीआईटी का दर्द, स्लिप डिस्क, ज्वाइंट पेन या किसी भी प्रकार का दर्द हो, जोरों का दर्द हो, 100% ठीक होगा। लेकिन इसका प्रयोग आपको मेरे बताए गए तरीके से 15 दिन करनी है और ज्यादा से ज्यादा इसे 1 महीने तो आपको करनी ही है। तो देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो पर कर देंगे और औषधि जो हमने कूटी है उसको डाल देंगे और इसे ढककर हमें पकाना है। उसके पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो 2 कप पानी हमने डाला था वह 1 कप पानी रह जाएगा। अब हम इसे हल्का गुनगुना करके कप में छानकर निकाल लेंगे। आपको सर्दी के मौसम में इसे 2 वक्त लेना है। 1 वक्त सुबह सुबह आप जब नाश्ता कर ले तो नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले, और इसे लेने के 1/2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं, और दूसरा रात को आप शाम के वक्त इसे ले सकते हैं। इसे लेने के 1 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना है और इसे लेने के 1/2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इसी प्रकार से इसे ले, आपको आराम अवश्य मिलेगा। हेल्दी हरदम।